नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण का अभियान भी युद्ध स्तर पर चल रहा था। ऐसे में वैक्सीन की कमी को लेकर के एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के चलते भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की 67 लाख डोज की जो दिल्ली को सप्लाई होनी थी उस पर भारत बायोटेक ने रोक लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जिसमें 67 लाख कोविशील्ड थी और 67 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर था। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है क्योंकि भारत बायोटेक ने ऐसा करने से मना कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का जो वैक्सीनेशन जब से हो रहा है लगातार युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनके गाइडलाइन के चलते भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की 67 लाख डोज देने से इनकार कर दिया है दिल्ली को। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के 17 सरकारी स्कूलों में जहाँ पर 100 सेंटर थे जहाँ पर कोवैक्सीन के टीका जो है लगाया जा रहा है, उन जब सेंटरों को दिल्ली सरकार मजबूरी में बंद कर रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार जो है केंद्र सरकार पे वैक्सीन के डोज को लेकर के हमला कर रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी इन आरोपों पे जो है पलटवार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये क्या कहा गया है कि केंद्र लगातार जो है दिल्ली सरकार को वैक्सीनेशन की जो डोज है वो दे रही है, लेकिन इस तरह की कमी की बात करना ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। अब दिल्ली में क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने और केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, खुद सुनिए मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने क्या कहा है। दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं, 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। साथ ही मनीष सिसोदिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कहा है कि केंद्र सरकार इस समय देश की सरकार के रूप में काम करे और कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगाई जाए ताकि देश की जो जनता है उसको जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध हो सके। कई राज्यों से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है कि वैक्सीन के डोज कम होने की वजह से जो शेड्यूल है वो लोगों को काफ़ी लंबा मिल रहा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन का जो फार्मूला है वो लेकर भारत की अन्य कंपनियों को दिया जाए ताकि वैक्सीन का अधिक से अधिक जो है अधिक वैक्सीन बने ताकि पूरे भारत में कोरोना पे काबू पाने के लिए जल्द से जल्द पूरी देश की जनता का वैक्सीनेशन किया जा सके। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही, आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय वो निभाएं, एक्सपोर्ट सारा बंद करें। और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं, नहीं तो ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे
जैसे इस सेकेंड वेव में भरे हैं, वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे। किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे, लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मार्केट में जहां भी वैक्सीन उपलब्ध हो, जो भी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव की जा सकती हो उसको अप्रूव करके इंटरनेशनल मार्केट से लेके देश में उपलब्ध कराएं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रखें कि जैसे ही वैक्सीन आए वैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर राज्य के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए।